नमस्कार आपण देखुछंती आमरी ओडिसा आरंभरु असंभाळ लगाण वर्षारे पदारे पडिला स्मार्ट सिटीर असल चित्र। राजधानी भुवनेश्वर अनेक अंचल एबे जलमग्न, रास्ता उपरे 3 फुटर पाणी चालुथिबा बेले अनेक बस्ती एवं तळिया अंचल रे लोकंक घरे पसिछि नर्दमा पाणी। जुआडे देखिले खाली पाणी आउ पाणी। आचार्य विहार, जयदेव विहार, इस्कन मंदिर, रसुलगढ़, बमिखाल सबुठी आंठुए उच्चर पाणी। लघुचाप वर्षा गत रविवार ठारु जारी रहिथिबा बेले एहा थमिबार ना नेउनी। विभिन्न स्थान रे रास्ता खोला होई पडिथिबारु वर्षा जल निष्कासन होई पारु नाही। सेपरि वर्षा पूर्वरु बीएमसी पक्षरु नाळ सफेइ भी करा गला नाही, जहा फळरे वर्षा आरंभरु लोके दयन स्थिति भोगुथिबा कहिछन्ति। लघुचाप जनित वर्षारे बेहाल कटक सहर, अनेक स्थान रे जल निष्कासन जनित समस्या सृष्टि होईछि। वर्षा पानी निष्कासित न होई पारिबारु सहरर तळी अंचल जलबंदी होई रहिछि। अनेक स्थान रे रास्ता उपरे 3 फुटर पानी प्रवाहित होतिबारु लोके घरु बाहर को बाहरी पारु नाहंती। विशेष करी बादामबाड़ी, पट्टापोल, मेरिया बजार, ओडिया बजार, हरिपुर और बारपथर भली अंचल स्थिति अधिक जटिल। अनेक स्थान रे लोकों घरे नर्दमा पानी पशिछि। वर्षा जल निष्कासन पाई महानगर निगम पक्षरु विभिन्न स्थान रे पंप लगा जायछि। तबे उत्तर बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप वेलमार्क लो प्रेशर परिणत होईछि। आसंता 24 घंटे अवपातर रूप नहीं प्रबल बर्षिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग विभाग। विशेषकर उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, ढेंकानाल, अनुगुल, संबलपुर, बरगढ़ सह कलाहांडी, मालकानगिरी, रायगड़ा, मयूरभंज, बालेश्वर और खोर्धा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणिपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। नवरंगपुर, नवापरा, बलांगीर, बरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़ और नॉर्थ में इधर केवंझर, मयूरभंज भी हेवी टू वेरी हेवी आइसोलेटेड, हेवी टू वेरी हेवी, एक दो जगह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस। तबे महाराष्ट्र रे प्रबल वर्षा मंगलवार राति रे विभिन्न स्थान रे कांथ भूतुसुड़ी पड़िबारु प्राय 21 जनकर मृत्यु होईछि। मलाड स्टेट कल्याण एवं पुणे रो कांथ भुसुड़ी खबर मिली। मलाई स्टेट रे 12 जनकर मृत्यु होता बेले कल्याण अंचल रे 3 जनकर एवं पुणे रो सिंगड़ कॉलेज दबिबा जोगु 6 जनकर मृत्यु होई। लोकों को उद्धार कार्य जारी रही। मारे थे उसके लिए पीछे के बाजू में पूरा पानी भर गया था तो अंदर आना चालू हुआ था। उसके बाजू में दीवाल का ईट तोड़ दिया उधर का, और उसके बाद हम लोग उधर का दीवाल का ईट तोड़ के बाद फिर वापस आया और दरवाजे में खड़ा था। उतने टाइम में उधर से पानी का फोर्स आया। फोर्स आने के बाद मेरे छोकरा बोलते पापा आगे मत जाना तो तू पीछे आना। उतने टाइम में स्पोर्ट हुआ, स्पोर्ट हुआ ऐसा मेरे सामने सब झोपड़ी पूरा एक साथ नीचे आया। कि जो पीछे जो दीवाल बनाया है, ये दीवाल के अंदर पहले एक नाला था तो पानी फोर्स से आता था। उस टाइम ऐसा हो गया कि वो लोग ने नाला भी पैक कर दिया। नाला पैक करने से क्या हुआ कि पानी आने के लिए जगह ही नहीं बचा, और जगह नहीं बचा इसके वजह से पानी के फोर्स की वजह से ये पूरा रात को मतलब नाले का जो फोर्स आया पानी का वो पानी में पूरा लोग चले गए। अभी तक मेरे ख्याल से मैं गया था हॉस्पिटल में, बाहर आया 13 लोग अभी तक वहाँ पे बच्चे से लेके मतलब लेडीज तक मतलब मर चुके हैं, और बाकी जब उनकी हम लोग चालू है ढूंढ रहे एक जन को है नहीं ऐसा। वर्षा ऋतु आरंभरु उबुटुबु हेला भद्रक सहर। सरकारी ऑफिस, घरे एवं तळिया अंचल रे पसिला वर्षा जल। जिलापालक कार्यालय सम्मुख रास्ता, चकबंदी ऑफिस और धामरा थाना हेला उबुटुबु। पौराचल 30 जाक वार्डवासी एवं जलबंदी अवस्था अच्छा घरे नर्दमा जल लहड़ी खेलुची। रास्ता उपरे आंठुए उच्चर पानी रसुओ। दुई दिन हेब वर्षा लागि रहिथिबारु अवस्था असंभाळ। घरे पानी पसिबा को नहीं असंतोष प्रकाश पाई। एथिपाई स्थानीय लोके पौरपालिकार विपर्यस्त जल निष्कासन व्यवस्था एवं अमृत योजनार विफलता को दायी करिछन्ति। एबडे धामरा थानार दृश्य भी थिला असंभाळ। थानारे भी आंठुए उच्चर पानी पसिजिबारु बेस किछि समय पाई कर्मचारी काम करि पारिनथिले। एने सहर बासिंदांक भितरे प्रबल असंतोष। एबडे वर्षा जल परिचालना पाई स्वतंत्र कंट्रोल रूम खोला जायथिबा सफेइ दैछंती पौर कार्य निर्वाही अधिकारी। लगाण वर्षा जोगु साळंदी ओ बैतरणी नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबारे लागिछि।
लगाण वर्षा जो पूरी बड़दाण्ड में भी आंठुए आंठुए पा बड़दाण्ड में जल निष्कासन हो न पारि वर्षा जल जमी रही। पूरी सहर तलिया अंचल में भी लोकों घरे पा पशि फल लोकों दुर्दशा बढ़ी आ दुईदिन रथजात्रा बेले लगाण वर्षा जल निष्कासन नहीं प्रशासन तत्परता प्रकाश कर विभिन्न अंचल प्रशासन पक्ष मोटर पंप लग जा जल निष्कासन करा जाउछी।